हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ड्राइंग कैसे देखते हैं और इसको फैब्रिकेशन कैसे करेंगे। हमारे पास दोस्त जो ड्राइंग है, एकदम छोटा सा ड्राइंग है स्ट्रक्चर का, एक कॉलम का ड्राइंग है। इस एक कॉलम है, ये जो देख रहे हैं आप, ये फ्लांज व्यू है, ये बैक व्यू है, या तो इसको फ्रंट व्यू बोलिए या साइड व्यू बोलिए इसको, ठीक है। बीम का जो सर लेंथ है 1210 आएगा, ये फुल लेंथ इतना प्लेट लगाने के बाद 1236 आएगा। बीम का जो साइज है यहाँ पे है, एच बीम है 150 बाई 157 mm। इसका बैक का थिकनेस रहेगा, फलांच का थिकनेस 10 mm होगा। ये जो थिकनेस है वो 10 mm होगा, ये जो बैक का जो थिकनेस है अंदर का ये वो 7 mm होगा। ये बीव दिखा रहा है। बी का मतलब है टॉप से अगर देखेगा तो ये प्लेट कैसा लगेगा उसके बारे में ये बता रहा है, कट करके यहाँ से यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। इसका होल का डायमेंशन भी इसमें दिया हुआ है, यहाँ एंड से ये होल कितना रहेगा, 35 रहेगा। उसके बाद ये सेंटर से 40-40 रहेगा दोनों तरफ। उसके बाद में वेल्डिंग का ये जो सिंबल आप देख रहे हैं 5-5, उसके बाद ये 3 साइड लिखा हुआ है, ये वेल्डिंग का सिंबल है। ये चारों साइड से बीम जो है ये तीनों साइड से बिल्ड रहेगा, इधर से इधर से, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल जो दिखा रहा है ये भी मारने के लिए, जो प्लांट जो है इसमें भी होगा, हल्का सा भी होगा, उसके बाद में ये प्लस ग्रेडिंग मारा जाएगा, थोड़ा सा भी मार करके प्लस ग्रेडिंग उसको करके लेवल कर देना है। उसके बाद ये बीम दिखा रहा है बॉटम प्लेट का, ये बॉटम बेस प्लेट का ये ए बीम यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, होल का डायमेंशन दे रहा है, होल यहाँ से इतना रहेगा। उसके बाद ये बीम का सेंटर से होल इतना पे रहेगा। ये बेस प्लेट का जो साइज है वो 320 बाई 250 है। ये जो यहाँ पे P12 दिया हुआ है प्लेट का नंबर है, P12 ये प्लेट का नंबर यही नंबर है यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ होल मार होल के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे फिटअप के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे बीम इसके प्लेट के इधर कैसा रहेगा वैसा दिखा रहा है। ये जो वही है, ये C3 बोले तो यही ये बीम हो गया, और ये नीचे वाला देखिए उसके नीचे जो बता रहा है ये P12 बेस प्लेट हो गया। ये जो नंबर है वो बेस प्लेट है। होल का साइज यहाँ पे दिया हुआ है 4 होल रहेगा 20 mm डाया का। और उसके बाद में ये जो सिंबल दिखा रहा है वो टॉप का, यहाँ पे भी देखिए सिंबल यहाँ पे है। इसको इस साइड मतलब इसको ऐसा पलटी होगा तो यहाँ से ये साइड पे जो ये साइड से ही वो पलटी किया, इसके लिए यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा बात ये भी है कि जो हार्ड पंच नंबर जो होगा वो इस साइड मारना चाहिए, इसके लिए भी कभी कभी दिखाता है लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ड पंच का नंबर होल के मतलब एक छोटा कोई प्लेट वगैरह पे मार करके होल में टाई कर दिया जाता है। और ये जो PLT221 है ये यहाँ का टॉप वाला प्लेट दिखा रहा है, इसका प्लेट का साइज कितना रहेगा, होल का डैम का डिस्टेंस कितना होगा। ये जो CLT169 जो है ये बीम का लेंथ बता रहा है, बीम कितने में रहेगा। ये प्लेट का 10 mm माइनस करके यहाँ का भी 60 mm बेस प्लेट माइनस करके यहाँ पे बीम का साइज हो जाएगा 1 मीटर 210। यहाँ पे 1 मीटर 236 है, इसमें से प्लेट और टॉप प्लेट और बेस प्लेट माइनस करके इतना में बीम कट करना है। बस इतना ही सा है इसमें दोस्त, एकदम छोटा सा ये ड्राइंग है दोस्तों। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो या ड्राइंग आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और आपके पास और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ये ड्राइंग से रिलेटेड, या स्ट्रक्चर या पाइपिंग या टैंक, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जरूर इंशाल्लाह दूसरा ड्राइंग में दूसरी वीडियो बना के दिखाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।